चलिए अब अपन क्या करती हैं, इसका साइज बनाना सीखते हैं, किस टाइप से करेंगे। अब आप इसे ओपन करती हैं तो विंडो 10 में ये अलग टाइप से ओपन होगी, ठीक है, और विंडो 8 में अलग होगी। जिन स्टूडेंट का विंडो 10 वाला सिस्टम है उनका अलग तरीका रहेगा ओपन का, और जिनका 8 है उनका इस टाइप से रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करना है, जिसको अपन पिक्चर मैनेजर बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो आपका साइज बता क्या करेगा, सॉरी नाम बताएगा। अगर आपकी विंडो 10 है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ का ऑप्शन रहेगा, ओपन विथ पे आप माइक माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे वो दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी उसी में ओपन हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। विंडो 8 में तो नॉर्मली डबल क्लिक उससे ओपन करेंगे तो उसी में होगी, लेकिन विंडो 10 में थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको क्या करना है, साइज बनाना है इसका। तो आप यहां से भी बना सकती है, पिक्चर का ऑप्शन है, या फिर ये एडिट पिक्चर्स इस पे भी बना सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बताते हैं, तो हम यहीं से बता देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे मिल रहा है क्रॉप, अगर आपको आपकी इमेज को क्रॉप करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप से आता है, और मोबाइल में भी इसी टाइप से आता है, क्रॉप आता है तो आप आपकी इमेज को क्रॉप कर लेती हैं। तो यहाँ से आपको जितनी भी इमेज को क्रॉप करना है आप यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से लेफ्ट राइट से करना वो कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसे कंट्रोल एस करना रहेगा, हाँ उसी, देखिए अब कितना हो गया, 4.2 MB, ठीक है। अभी कितना था, 14 था, अभी 2 हो गए क्रॉप करने से, थोड़ा कम हो गया, पर एमबी में तो अभी भी है। अब आपको केबी में करना है तो आप करेंगे फिर से इस पे क्लिक करेंगे और रिसाइज, नीचे आपको रिसाइज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंट कम करना है। अब आपको पता है एमबी में है, एमबी से केबी में करने के लिए आप मिनिमम 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50% कम कर सकते हैं तो वो केबी में आ जाएगी। लेकिन किस कंडीशन में, जब आपकी एमबी में फाइल होती है तब, केबी से केबी में ही करना हो तब आपको ये नहीं करना। अगर एमबी में है आपकी इमेज फाइल, नहीं सॉरी इमेज, अगर आपकी इमेज एमबी में है और उसे केबी में करना है तो आप 50 कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे आप किस टाइप से टाइप करेंगे, जितना कम साइज करना है ना आपको, जितना भी कम करना हो साइज 100 में से आप उतना माइनस कर देंगे। जैसे अपने 50% कम करना है तो 100 में से माइनस कीजिए 50, तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ पे आपका जितना आता है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, हमने 50 टाइप किया और ओके किया, पर अभी आपका इसका साइज कम नहीं हुआ, कंट्रोल एस करना रहेगा फिर आपको, ठीक है। फिर आप इस पे माउस पॉइंटर, देखिए एमबी में अभी भी है क्योंकि बहुत ज्यादा था, 4 MB उसका, अभी भी अपन यहाँ पे 50 के समथिंग कर सकते हैं क्योंकि केबी में लाना है अपन, तो अपन 50 टाइप कर देंगे और ओके करेंगे, फिर अपन कंट्रोल एस करेंगे। तो देखिए केबी में आ गया, लेकिन कुछ ज्यादा ही कम हो गया केबी में। अब किसी किसी में थोड़ा और भी ज्यादा अपलोड हो करवा सकता है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे, एकदम कम करने से क्या होता है, ज्यादा कम हो जाता है। अब इसका ज्यादा कम हो गया मान के चलिए, अब बढ़ाएंगे कैसे, आप बढ़ाने में फिर प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम के साथ साथ सबसे बड़ी बात, अगर आप बार बार कम या ज्यादा करेंगे आपके पिक्चर का साइज तो उसके पिक्सल सही नहीं होंगे। आप सभी को पता है कि पिक्सल्स कम ज्यादा हो जाती है जिससे ब्लर हो जाती है आपकी पिक्चर, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए इसका कितना है, इतना आ रहा है 268 KB, आपको कितना करना है, 150 KB करना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में से थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। अब मान के चलिए आपको 5% कम करना है, 5%, तो आपको 100 में से कितना माइनस करना है, 5 माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 95, तो यहाँ पे आप 95 टाइप कर देंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद कंट्रोल एस क्यों करते हैं अपन, क्योंकि जिस लोकेशन पे अपनी इमेज है वहीं पे वो सेव हो जाए आपकी इमेज, तो अपन क्या कर देते हैं, कंट्रोल एस। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया, 208 आ गया, थोड़ा और कम कर देंगे फिर आप। अब जैसे कि 10% कम करना है आपको, तो 100 में से कितना माइनस करेंगे आप, 10 माइनस करेंगे, तो
और डिफरेंस कितना आएगा उसका 90, तो 90 टाइप कर देंगे आप यहाँ पे और ओके कर देंगे और कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका साइज कितना आ गया, 157। इतना आया सभी को? कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये साइज बन गया यहाँ, अब आप इसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाय चांस किसी कंडीशन में आपसे कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है, हमने बताया था कि एमबी में अगर आपको करते हैं तो 50 टाइप कर दें, अगर आपका कप 2 या 2 एमबी से ज्यादा होता है तब आप 50 कर सकते हैं माइनस परसेंटेज का। अपना 1 एमबी आ गया तो अपने 50 किया था, वो उसने 200 कुछ ले लिया था, तो आप थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे, ओके आ जाएगा सभी को। ये आप नीचे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, नीचे आप कोई सी भी इमेज लेना, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो आपने स्कैन की है वही इमेज हो, कोई सी भी, मतलब गूगल क्रोम से आप डाउनलोड करते हैं इमेज, कोई सी भी डाउनलोड कर लेना। अब हम यहाँ पे आपको एक और बार बताते हैं, इसे अपन मिनिमाइज कर देते हैं, अपन दिस पीसी को ओपन करते हैं और अपन यहाँ पे वॉल पेपर नाम का फोल्डर ओपन कर लेते हैं। वॉल पेपर फोल्डर मिलेगा आपको एफ ड्राइव में, अरे तो एक्सेल है ये रहे। अब इसमें से आपको देखिए यहाँ पे साइज बता है, इसी में इसका साइज कितना है 562 KB है, और जिसपे भी आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे उसका साइज बता देगा, वो बता रहा है। अब इसमें से मान के चलिए आपको इसी इमेज का कम साइज करना है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, विंडो 8 में होगा डबल क्लिक करके और 10 में राइट क्लिक करके, फिर यहाँ से आप ये पिक्चर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और रिसाइज कितना कम करना है हमें 10% कम करना है, तो 100 में से कितना माइनस करेंगे 10, जितना कम करना है ना आपको उतना आपको 100 में से माइनस करना है, उसका डिफरेंस जो आएगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, 90 आ रहा है तो अपन यहाँ पे 90 टाइप कर देते हैं और ओके करते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं। अब आप इस पे माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, कम हो गया 329 हो गया, पहले 500 कुछ था तो आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया है आप उसी का साइज बनाए, आप किसी भी इमेज का साइज बना सकते हैं, इतना आ जाएगा क्या? क्या बोल दिया आपने? फोटो वही रहता है, देखिए फोटो तो आपका वही रहेगा, साइज क्या होता है आपको बनाना होता है, अभी आपने फॉर्म भरना नहीं सीखे, जब आप फॉर्म फिल करना सीखेंगे ना तब आपको उसमें साइज मांगता कि इतने से कितने के बी तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट तो वही रहेगा, डॉक्यूमेंट थोड़ी ना ये होगा कि आपने साइज बनाया है तो दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा या फिर कुछ और चेंजेस होगा, वो चेंजेस नहीं होगा, बस उसका साइज छोटा बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे आप हैं, आप बड़ी होती जाएंगी, आप तो आप ही रहेंगी ना, बस आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसा होता है। तो डॉक्यूमेंट आपका वही रहेगा, बस उसका साइज छोटा करना है तो छोटा होगा, बड़ा करना है तो बड़ा होगा। अभी हमने आपको साइज कम करना बताया है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको साइज बड़ा करना बताएंगे, ओके। तो इतना आ जाएगा, क्लोज कर दें, कुछ पूछना है नहीं पूछना, ठीक है।